बरेली के माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल में 74वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया गया। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव ने भी शिरकत की और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। नाथ नगरी बरेली के माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यहां उन्होंने अपने प्रभावपूर्ण वक्तव्य से सभी का उत्साहवर्धन किया। स्कूल था, स्कूल का बड़ा ग्राउंड था, एक ग्राउंड का एक बड़ा कोना मैंने अपने लिए छांट के रखा हुआ, तो लगे हुए हैं आलू चम्मच खुशाली आलू रखा हुआ लगे हैं दौर में, इधर से उधर उधर से उधर, धूप हो रही है, पसीना आ रहा है, मुंह लाल हो रहा है, लेकिन लगे हुए हैं। तो बहुत तेज दौड़ नहीं है, माँ की आवाज आ रही है, क्या कर रहा है ये वो पता नहीं, बांट रहे हैं, हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, लगे हुए। इसी तरह से गुल्ली डंडा, सबसे फर्स्ट क्यों ना रहा हूँ, कोई मुझसे आगे क्यों रहे, लगे हुए अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह से रनिंग, मुझे स्कूल में फर्स्ट आना ही है रनिंग में, सुबह सुबह 6 बजे उठ के लगे हुए कम से कम समय तो इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि अभिभावक संघ के अध्यक्ष अंकुर सक्सेना ने छात्रों का मार्गदर्शन किया और कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ भेंट कर तथा पटका पहना स्वागत किया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया और दीप प्रज्वलन के पश्चात मां सरस्वती जी को पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत हुई सरस्वती वंदना से। शुरू हुए कार्यक्रम के साथ शिव गार्डन व रामपुर गार्डन के छात्रों ने मनमोहक नृत्यों की प्रस्तुति देकर सभी को भाव विभोर कर दिया। इस वर्ष विद्यालय द्वारा एक अनूठी पहल की गई, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जैसे समाज सेवा, खेलों में तथा संगीत इत्यादि क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन व विशेष योगदान देने के लिए बच्चों को कार्य सिद्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके तहत रामपुर गार्डन व शिव गार्डन के बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस्कॉन ग्रुप और इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मुख्य अतिथि व प्रबंधन को सम्मानित किया। साथ ही विद्यालय प्रबंधक डॉ. सौरभ कुमार अग्रवाल व प्रबंध निदेशिका चंदना अग्रवाल ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट भी की। हमारे यहाँ 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस समारोह है, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया है और जिसकी मुख्य अतिथि मशहूर अभिनेता जो श्री गोविंद नामदेव जी हैं, जिन्होंने 140 से ज़्यादा फिल्मों में काम भी किया है। उसके साथ साथ रंगारंग कार्यक्रम के अलावा एक आज स्कूल ने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें हैंडमेड फ्लैग्स का इस्तेमाल करके और एक समूह गान करा है, जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे, टीचर्स भी इन्वॉल्व थे और बच्चे भी। तो ये एक विश्व कीर्तिमान हुआ है जिसको हम लोगों को सम्मान भी मिला है। और उसके अलावा एक नया अवार्ड्स की सीरीज हमने शुरू करी है इस वर्ष, वो है कार्य सिद्धि पुरस्कार, जो बच्चे स्कूल के अलावा किसी भी क्षेत्र में कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं, वो चाहे सामाजिक हो या ब्रेवरी का हो या एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी स्त्री का एक कार्य जो स्कूल से अलावा हो, उनको हम एक सम्मान पत्र भी दिया है इन्होंने और एक इनको पटका भी उड़ाया है मुख्य अतिथि महोदय ने। इसका उद्देश्य बस यही है कि और बच्चों को मोटिवेट करना, जिससे आगे आने वाले समय में जो है और बच्चे सामाजिक कार्य करें, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें और जो है कुछ भी ऐसा कार्य करें जिसके लिए वो देश हित की बात कर सकें और अपने आप को बढ़ा सकें। इस बार विद्यालय ने विश्व रिकॉर्ड बनाने का सफल प्रयास भी किया। साथ ही इस समूचे कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका सरकार समेत स्कूल के स्टाफ और अभिभावकों ने उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को सफल बनाया। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से सुधाकर शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।